राजधानी रायपुर स्थित रावाभाटा में शंकराचार्य आश्रम के जगतगुरु शंकराचार्य के जन्म दिवस पर 16 जून को आयोजित विशाल कलश यात्रा को लेकर समाज सेवी बसंत अग्रवाल की अगुवाई में बैठक आयोजित की गई। बता दें कि कलश यात्रा में 11,000 महिलाएं शामिल होंगी एवं 1500 से भक्त भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करेंगे। वहीं इस विशाल कलश यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई थी, जिसमें मीडिया को जानकारी देते हुए कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी और समाज सेवी बसंत अग्रवाल ने बताया कि हम वृहद पैमाने पे हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी का प्रगाढ़ोत्सव हमारे प्रदेश में मन रहा है और बड़े ही विशाल संख्या में लोग यहाँ आएंगे। प्रातः सवेरे 7 बजे कलश यात्रा चालू हो जाएगी, 9 बजे रुद्राभिषेक होगा, 11 बजे धर्म सभा होगी जिसमें सभी साधु संत एवं आम जनमानस शामिल होंगे और 12 बजे से आस्था लाइव गुरु जी का आशीर्वचन होगा। अच्छी खासी विशाल संख्या में आसपास के ही नहीं देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि गुरु जी के अनुयायी सभी देशों में 55 देश से लोग यहाँ आ रहे हैं। उनके रहने की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था कलश यात्रा में सभी समाज के प्रमुखों के द्वारा, क्योंकि यहाँ को देख रहे हैं सभी समाज के प्रमुख हैं, उनके द्वारा बीच बीच में मंच लगाकर पुष्पों से स्वागत करना एवं पूरे रोड में, क्योंकि गर्मी का समय, हालांकि 7 बजे सवेरे गर्मी नहीं रहती है, फिर भी हमारा प्रयास है कि रोड को पूरा पानी से अपन धुलवा दें। जहां जहां शिव जी की ये पवित्र कलश यात्रा निकले वहां पूरा वातावरण शिवमय हो जाए। और सबसे मूल जो हर कार्यक्रम में मेरा रहता है कि धर्म ही प्रमुख है। हमको किसी राजनीतिक दल से ना कोई लेना देना था, ना है और ना रहेगा। यह मंच धर्म का मंच है। हाथी रहेंगे, हाथी खोज रहे हैं, मिला नहीं है, घोड़े रहेंगे, ऊंट रहेंगे। हम चाहते हैं कि भव्यता के साथ शिव जी की बारात स्वरूप माने आप, क्योंकि शिव जी का ही जो हमारे जितने भी शंकराचार्य हैं उनके मूल में शिव है और शिव जी ने ही उनको दक्ष किया था ऐसा हमने सुना है, जितना मुझे ज्ञान है। बाकी हमारे पंडित जी बगल में बैठे हैं जो हमको सिखाएंगे, हम वही बोलेंगे। हाँ, बाहर से भी आ रहे हैं लोग, उड़ीसा से घंटी बाजा रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि अच्छे से अच्छी ऐतिहासिक, क्योंकि रामा परिक्षेत्र ही नहीं, हमारी ये कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे व्यवस्थित और लोगों को लगे कि हाँ कुछ हो रहा है ऐसा कार्यक्रम हम करें।